आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में जो कि जनवरी से लेकर जून तक हुई है, यानी लास्ट 6 मंथ में जितने भी नियुक्तियां हुई है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 मंथ यानी जनवरी से जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डेलाइट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है मनोज कोहली को, डेलाइट जो कंपनी है USA की यह कंपनी है डेलाइट, इसके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कोहली को। अगला है, किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इनका नितिन अग्रवाल नाम है जिन्हें सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, नितिन अग्रवाल को। अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, दिनेश कुमार शुक्ला को। अगला है, भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है नलिन नेगी को भारत पे के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, नलिन नेगी को। अगला है, BCCI की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है चेतन शर्मा को BCCI की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चेतन शर्मा को। अगला है, अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सही उत्तर इसका है मनप्रीत मोनिका सिंह जो है वह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। तो सही उत्तर है मनप्रीत मोनिका सिंह। अगला है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है AC चरानिया को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में नियुक्त किया गया है, AC चरानिया को। अगला है, कॉग्निजेंट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है कॉग्निजेंट के? तो सही उत्तर है रवि कुमार को, कॉग्निजेंट जो कंपनी है सॉफ्टवेयर की यह कंपनी अमेरिका की यह कंपनी है कॉग्निजेंट, इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है रवि कुमार को। अगला है, तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है A. शांति कुमारी को तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और यह तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव होगी A. शांति कुमारी जो है उनको। अगला है, विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सही उत्तर है सुरभि जखमोला जो है उनको विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली है यानी सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला अधिकारी बन गई है सुरभि जखमोला। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, विक्रम देवदत्त को। अगला क्वेश्चन है, किसे टाटा ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अपर्णा उपलूरी को टाटा ट्रस्ट के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, अपना उपलोरी को। अगला है, अमूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है श्यामल भाई बी पटेल को अमूल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, श्यामल भाई बी पटेल को। अगला है, सेवानिवृत्त है सेना जनरल पेट्र पावेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर इन्हें चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, पेट्र पावेल को। अगला है, भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, राजीव सिंह रघुवंशी को।
अगला है, यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सही उत्तर है हेन शुमाकर जो है वह यूनिलीवर के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, हेन शुमाकर। अगला है, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है माघवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, माघवेंद्र सिंह को। अगला है, इक्वेटोरियल गिनी जो देश है इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर है मेनुअला रोका बोटी जो है वह इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मेनुअल रोका बोटी। अगला है, आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अनिकेत सुनील तलाटी को आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आईसीएआई जो है इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी आईसीआई का जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका जो हेड क्वार्टर है यह स्थित है न्यू दिल्ली में, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला है, साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है निकोस क्रिस्टोडोलिडस को साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, निकोस क्रिस्टोडोलिडस को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका निकोस क्रिस्टोडोलिडस। अगला है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर इसका है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुक्कू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुक्कू को। अगला है, कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, जगुआर और लैंड रोवर जो है इसके इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है वीपी रंजन को जगुआर और लैंड रोवर जो कंपनी है इसके इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, वीपी रंजन को। और यह जो कंपनी है जगुआर और लैंड रोवर, यह टाटा इसको ऑक्युपाई किया है, यानी टाटा इसको खरीदा है। अगला है, यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है नील मोहन को यूट्यूब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनका नील मोहन। अगला है, एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इनका संजय वर्मा को एमआरपीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, संजय वर्मा को। अगला है, सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अमरेंदु प्रकाश को सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अमरेंदु प्रकाश को। अगला है क्वेश्चन, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है सेलेस्टे साउले को WMO की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, सेलेस्टे सावले को। अगला क्वेश्चन है, NTCA द्वारा स्थापित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राजेश बंसल को NTCA द्वारा स्थापित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, राजेश बंसल को। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है अब्दुल्ला अल मंडोस। अब्दुल्ला अल मंडोस को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, किसे 78वें यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है डेनिस फ्रांसिस को 78वें यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस को। अगला है, किसे द हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, निर्मला लक्ष्मण को। अगला है, रैंगलर ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो सही उत्तर है स्मृति मंदाना जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है, इनको रैंगलर जो कंपनी है वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है, स्मृति मंदाना को। अगला है, किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है,
जनार्दन प्रसाद को। अगला है, कॉन्कोर के अगले सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है संजय स्वरूप को कॉन्कोर के अगले सीएमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और कॉन्कोर जो है इसका फुल फॉर्म है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है कॉन्कोर का। अगला है, ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है वी अनंत रामन को ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वी अनंत रामन को। अगला है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किसे IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है पीटर एल्वर्स को IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, पीटर एल्वर्स को। अगला क्वेश्चन है, NHPC लिमिटेड इंडिया में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है उत्तम लाल को NHPC लिमिटेड इंडिया में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उत्तम लाल को। अगला है, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सही उत्तर है गोपी चंद हिंदुजा जो है वह हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अगला है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है कमल किशोर चटिवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है, कमल किशोर चटिवाल को। अगला है, रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रवि सिन्हा को रॉ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रॉ जो है वह भारत का यह इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगला है, नुसरत चौधरी को किस देश की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, नुसरत चौधरी को। अगला है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किसे नए RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है, स्वामीनाथन जानकी रमन को। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, हसमुख अधिया को। अगला है, किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है अमित अग्रवाल को UIDAI जो की आधार बनाती है संस्था उसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, अमित अग्रवाल को। अगला है, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, रूबी सिन्हा को। अगला है, अली बाबा के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एडी वू को अली बाबा के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, एडी वू को। और अली बाबा जो है यह चाइना का यह कॉमर्स कंपनी है, यह चाइना का ई कॉमर्स कंपनी है जिसके संस्थापक थे जैक मा। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ईस्ट कोस्ट भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका नूतन रुंगटा को संयुक्त राज्य अमेरिका ईस्ट कोस्ट भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, नूतन रुंगटा को। अगला है, ग्रीक के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है किरियाकोस मित्सोटाकिस को ग्रीक के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किस बैंक ने रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है DBS बैंक इंडिया जो है वह रजत वर्मा को अपना प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया है। अगला है,
हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, रोहित जावा को। अगला है, वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आरती होल्ला मैनी को वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आरती होल्ला मैनी को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोगी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है हाओ लियांग जू, जो कि चीन के हैं, या जो है चीन के है हाओ लियांग जू, इनको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह उषा राव मोनारी जो है इनका स्थान लेंगे। अगला है, आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राजेश राय को आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर है इनका राजेश राय। अगला है, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राजीव कुमार रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार रघुवंशी को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है जीसी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, जीसी मुर्मू को। अगला है, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है शैलेश पाठक को फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर है शैलेश पाठक। अगला है, लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर इसका है एडगर रिंकेविक्स को लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, एडगर रिंकेविक्स को। अगला है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है बोला तिनुबु को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है बियो वैन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, वियो वैन थुओंग को। अगला है, एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रश्मि शुक्ला को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एसएस दुबे जो है इनको लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर है एसएस दुबे को लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है तेजल मेहता को अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तेजल मेहता को। अगला है, कतर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अब्दुल रहमान अल थानी को कतर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहमान अल थानी। अगला है, नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, रामचंद्र पौडेल को। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है वी गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, वी गोप कुमार को। अगला है, सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है प्रेनी माई को सिलिकॉन वैली जो बैंक है इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, फैनी माई को। अगला क्वेश्चन है, हनीवेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका विमल कपूर को हनीवेल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, विमल कपूर को। अगला है, एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, अमिताभ मुखर्जी को। अगला है, किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है के कृतिवासन को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अनूप बागुची को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है,
अनूप बागोची को। अगला है, बिसलेरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जयंती चौहान को बिसलेरी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिसलेरी जो कंपनी है वह पानी बनाती है यह। अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जी कृष्ण कुमार को बीपीसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा जी कृष्ण कुमार। अगला है, किसे भारतीय कपास निगम के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ललित कुमार गुप्ता को भारतीय कपास निगम के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनका ललित कुमार गुप्ता। अगला है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राम सहाय प्रसाद को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इनका राम सहाय प्रसाद। अगला है, किसे यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, अश्विनी कुमार को। अगला है, सीएट जो टायर बनाती है कंपनी, इसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अर्णव बनर्जी को सीएट जो टायर बनाती है कंपनी, इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अर्णव बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, किसे इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है सुमील विकमसे को हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, सुमील विकमसे को। अगला है, किसे हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, निरंजन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है प्रवीर सिन्हा जो है इनको टाटा पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किसे पीटीसी इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है राजीव के मिश्रा जो है इनको पीटीसी इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है राजीव के मिश्रा। और जो पीटीसी है इसका फुल फॉर्म है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह जो है पीटीसी का यह फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुधा शिव कुमार को फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सुधा शिव कुमार को। अगला है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुतसुमु ओटानी को होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, सुतसुमु ओटानी को। अगला है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर है केनिची उमेदा। अगला है, यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है फिर से? तो सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर सेफेरिन को यूईएफए जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है कलिकेश नारायण सिंह को एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, कलिकेश नारायण सिंह को। अगला है, टायर निर्माता निकाय है एटीएमए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अंशुमान सिंघानिया को एटीएमए जो की टायर निर्माता निकाय है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, अपरेश कुमार सिंह को। अगला है, किसे एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रत्नाकर पटनायक को एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, रत्नाकर पटनायक को। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है शेखर राव को कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है शेखर राव को। अगला है किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रोवन विल्सन को न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है किसे एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है कैजाद भरूचा को एचडीएफसी जो बैंक है इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कैजाद भरूचा को। अगला है बीईएमएल लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है शांतनु राय को बीईएमएल के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और बीईएमएल जो है इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि हेवी इक्विपमेंट्स बनाती है यह। अगला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए माधव राव को भारत डायनेमिक्स के लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ए माधव राव को। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण सिन्हा को। अगला है नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है अनंत माहेश्वरी को नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज सिंह को। अगला है किसे बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रजनीश कर्नाटक को। अगला है किसे बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है देवदत्त चंद को। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका टी एस शिव गणानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है टी एस शिव गणानम को। अगला क्वेश्चन है वैनेसा हडसन को किस एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है क्वांटास एयरवेज जो है इसका नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वैनेसा हडसन को। अगला है मार्गरीटा डेला वेले को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर है वोडाफोन समूह जो है इसके नए सीईओ बनी है मार्गरीटा डेला वेले। अगला है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अजय बंगा जो है वह विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। अगला है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति पी कृष्ण भट्ट को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है पीएम प्रसाद को कोल इंडिया के अगले प्रमुख होंगे पीएम प्रसाद, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम प्रसाद। अगला है मेलिर्बोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के यहाँ फुल फॉर्म है इसके अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है मार्क निकोलस जो है वह मेलिर्बोन यानी एमसीसी के अगले अध्यक्ष बने हैं मार्क निकोलस। अगला है एक्सेंचर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अजय विज को
एक्सेंचर इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय विज को। अगला है, कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका रथेंद्र रमन को कोलकाता बंदरगाह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, रथेंद्र रमन को। तो सही उत्तर हो जाएगा रथेंद्र रमन। अगला है, गुची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आलिया भट्ट को, गुच्ची जो कि कंपनी है इसके पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है आलिया भट्ट को। अगला है, बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं, इनको बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। अगला है, किस कंपनी ने कार्तिक बाल गोपालन को भारत के लिए नया MD नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है प्यूमा इंडिया जो है वह भारत के लिए नया MD नियुक्त किया है कार्तिक बाल गोपालन को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्यूमा इंडिया। अगला है, लिंडा याकिया रिनो किस कंपनी की नई CEO बनी है? तो सही उत्तर है ट्विटर जो कंपनी है जो कि एलन मस्क जो खरीदे है वह कंपनी ट्विटर की नई CEO बनी है लिंडा याकिया रिनो। अगला क्वेश्चन है, CBI निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है प्रवीण सूद जो है वह अभी वर्तमान में है CBI निदेशक है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण सूद। अगला है, किस कंपनी ने भावेश गुप्ता को अपना अध्यक्ष और COO नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है पेटीएम जो कंपनी है वह भावेश गुप्ता को अपना अध्यक्ष और COO नियुक्त किया है। तो सही उत्तर है इसका पेटीएम। अगला है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। अगला है, किसे नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एसके जैन को नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे नए केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अर्जुन राम मेघवाल जो है इनको नए कानून मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अगला क्वेश्चन है, किसे ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर इनका है नावदेव सिरगांवकर को ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, किसे भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है RN जयप्रकाश को भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है RN जयप्रकाश को। अगला है, UK सिटी कोवेंट्री के पहले पगड़ी पहनने वाले लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो सही उत्तर है जसवंत सिंह बिरदी जो है वह UK सिटी कोवेंट्री के पहले पगड़ी पहनने वाले या मेयर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जय कुमार एस पिल्लई को IDBI जो बैंक है इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है R दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है R दिनेश को। अगला है, किस कंपनी के संस्थापक को IAMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है ड्रीम 11 जो कंपनी है इसके संस्थापक हैं हर्ष जैन, इनको IAMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और IAMAI जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है IAMAI का। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है इन्हें कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को। अगला है, जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए COP28 सलाहकार समिति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मुकेश अंबानी को जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए COP28 सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि COP28 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है,
डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उनको डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह वर्तमान में भारत के सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को किस उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को। अगला है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वह नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। तो सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अगला है बोला तिनुगु को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर है इन्हें नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है बोला तिनुगु को। अगला है तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है तैयब एर्दोगन को तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तैयब एर्दोगन को। अगला है किसे यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को। अगला है किसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अजय यादव को। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां थी वर्ष 2023 का जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।